देखिए अपने आज ट्रिक करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। 3 सेकंड में एक सवाल होगा। दो समक्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, तो संख्याएं बताओ। देखिए इसके अंदर इस संख्या में से दो घटा दो, दो का भाग लगा दो, दो घटा दो का भाग लगा दो, दो घटाएंगे तो 338, दो का बाहर लगाएंगे 1, 6 दून 12, 9 दून 18। देखिए ये एक वर्ग संख्या आ गई, यहाँ वर्ग संख्या ही आएगी, ध्यान रखना। और इस वर्ग संख्या का वर्गमूल लेना, ठीक है? कितना आ गया? 13। अपने को पूछी है सम संख्या, लेकिन जब सम सम का हल करेंगे तो यहाँ विषम आएगी। विषम को छोड़ देना है। इसके पहले वाली सम कौन सी है? 12, और बाद वाली कौन सी है? 14। तो ये सम क्रमांक संख्याएं संख्या आगे 12 और 14। इसी प्रकार अपने आगे बढ़ा करते हैं। देखिए यहां मैं मिटाता हूँ, यहाँ करता हूँ 724। दो सम क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योगफल 724 है, संख्या बताओ। वही करना है अपने को। 724 में से दो घटाओ, दो का भाग दो, दो घटाएंगे तो 722, 722 में दो का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। देखिए 361, 361 एक वर्ग संख्या है। किसकी वर्ग संख्या है? 19 की है। किसकी है? 19 की। लेकिन पूछा सम संख्या है, तो ये सम नहीं आई, ये विषम आएगी, तो इसको काट दो। इसके पहले वाली सम और इसके बाद वाली सम, यानी 18 और 20, ये दो क्रमागत सम संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं अपने 7940। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 7940। दो सम क्रमागत संख्याओं के वर्गों के ऊपर 7940 संख्या बताओ। इसमें दो घटाओ, दो का भाग लगाओ, दो घटाएंगे, ठीक है? तो ये हो गए 7938 बट्टा में दो, भाग लगाओ 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। ये भी एक देखिए 39 69, ये भी एक वर्ग संख्या है। तो इसका देखिए वर्गमूल, अगर भी आपको याद नहीं है तो वर्गमूल निकाल लो फटाफट। देखो 1 9 9 है, किस किस के ऊपर आता है? 3 के ऊपर आता है और 7 के ऊपर आता है, ठीक है? यहां देखो ये किस किस के बीच में? 36, 6 और 7 की वर्ग संख्या के बीच में, तो अपने लेना छोटे वाला 6, ठीक है? अब 6 और 7 को गुणा करो, 42, 42। इससे ये अगर 42 से छोटा है तो छोटे वाला ले लो, अगर ये संख्या इससे गुणा से बड़ी रहती है तो बड़े वाला लेना, ये छोटी रहेगी, छोटे वाले ले लो। 63 आ गया। कितना आ गया? 63। 63 तो सम नहीं है, काट दो इसको। इसके पहले वाला 62 और बाद वाला 64, 62 और 64, ठीक है? देखिए अपने कितने सवाल हो गए हैं, और अभी समय लगभग 3 साढ़े 3 मिनट हुए हैं। अब आगे देखिए अपने वर्गमूल भी निकाला उसके अंदर, अगर आपको वर्गमूल याद होता तो फटाफट हो जाता। दो सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्या वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्या बताइए। 244 में दो घटाइए, ये तो आपका मुख जुबानी हो जाना चाहिए। 242 बटा दो कितना गया? 121। 121 का अपने को वर्गमूल पता है कितना होता है? 11। 11 से पहले क्या होती है? 10, और बाद में क्या होती है? 12। ये सम क्रमागत संख्याएं आ गई। अब आप आगे अपने चलते हैं, यहां लिखते हैं अपने 1252, 1252, ठीक है? 1252 में देखिए 1252 दो घटाओ, दो का भाग दो, 1250 में दो का भाग देंगे 625, 625 एक वर्ग संख्या है। किसकी है? 25 की। 25 निकाल दिया। अब 25 तो समक्रमागत नहीं है, सम संख्या नहीं है, समक्रमागत पूछिए, इसको काट दो। इसके पहले वाला क्या? 24, बाद वाला क्या? 26। ये आगे 24 और 26, ठीक है? अब अपने आगे चलते हैं।
आगे बढ़ा, फिर करते हैं एक सवाल। देखिए बार बार उदाहरण ले रहे हैं, 1924, 1924 में से दो घटाओ दो का भाग दो तो कितने हो गए 1922, दो का भाग देंगे 9 दुनी 18, 6 दुनी 12, 2 एकम 2, 961। 961 भी एक वर्ग संख्या है, वर्गमूल निकालो। कितने की वर्ग संख्या भी है, 31 की है। कितने की है, 31 की। 31 तो समक्रमागत नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसके पहले वाला ले लो और इसके बाद वाला ले लो, 30 और 32। इस प्रकार ये अपने समक्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हो तो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, वो भी मात्र 3 सेकंड में। अपने इतने समय में, लगभग 5.5-6 मिनट हुए हैं, इतने समय में 5-7 बार कर दिए हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप 3 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में इसको निकाल सकते हो। इसी प्रकार के ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।